2010 के राष्ट्रमंडल खेल राजधानी दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाएगी। खेलों का सफल आयोजन बहुत कुछ निर्बाध विद्युत आपूर्ति पर निर्भर करेगा। इस दिशा में व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा में झज्जर में एनटीपीसी 1500 मेगावाट क्षमता का एक सुपर थर्मल पावर प्लांट लगा रहा है, जो कि 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों तक काम करना शुरू कर देगा। इससे दिल्ली में बिजली की स्थिति में पर्याप्त सुधार होगा। कई कई घंटों तक बिजली का नदारद होना दिल्ली के लोगों के लिए एक आम बात है, लेकिन अब जल्द ही इस परेशानी से उन्हें निजात मिल जाएगी। हरियाणा में झज्जर में एनटीपीसी की निर्माणाधीन 1500 मेगावाट क्षमता की इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना के पूरा हो जाने पर दिल्ली में 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों के समय बिजली आपूर्ति बेहतर हो जाएगी। कोयला आधारित 500 मेगावाट क्षमता की 3 इकाइयों का निर्माण कार्य तेजी से और निर्धारित समय के अनुसार किया जा रहा है। अभी तक प्लान का काम जैसा चल रहा है, मोर ऑर लेस शेड्यूल में ही चल रहा है। बॉयलर यूनिट का ड्रम लिफ्टिंग ऑलरेडी हो चुके हैं एंड यूनिट 2 का ड्रम लिफ्टिंग हम लोग मार्च में प्लान कर रहे हैं। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट द्वारा उत्पादित बिजली की खपत दिल्ली और हरियाणा के बीच 50-50 के अनुपात में होगी। पहले यूनिट अप्रैल 2010 शुरू होने की उम्मीद है। हम लोग देश में बिजली की आपूर्ति करने के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं और हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो प्लान है 22,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली स्थापित करने का प्लान है, जिसमें कि हमने 2490 मेगावाट ऑलरेडी हम कर चुके हैं और इस साल में करीब जो जनवरी फरवरी मार्च का जो महीना है इनमें से हम करीब 750 मेगावाट और ऐड अप कर देंगे। झज्जर जो है वो भी करीब जून जुलाई अगस्त 2010 तक जो है झज्जर की भी पहली यूनिट जो है बिल्कुल चलने लग जाएगी। दिल्ली में हर साल बिजली की मांग से 10% की दर से बढ़ती है। ये मांग अगले वर्ष 5210 मेगावाट हो जाएगी। इस समय राजधानी में अपने बिजली संयंत्रों से मात्र 1100 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। ऐसे में झज्जर स्थित एनटीपीसी की इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना न केवल राष्ट्रमंडल खेलों को जगमगाएगी बल्कि दिल्ली की कई अंधेरी बस्तियों को भी रोशन करेगी। गीता मिश्र, डीडी न्यूज, झज्जर, हरियाणा।